क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं गणेश, मुझे पता है कि तुम हमें उस दानव से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाओगे। किंतु क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? हाँ, क्यों नहीं। किंतु क्या गणेश उस दानव को गणेश चतुर्थी से पहले मार पाएगा? गणेश चतुर्थी? हाँ, इस गांव में गणेश के जन्मोत्सव पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यानी कि उस दिन हम सब भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें मोदक खिलाते हैं। किंतु हम किसी और भगवान का जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाते, केवल गणेश भगवान का ही क्यों? क्योंकि गणेश के जन्म के पीछे एक अद्भुत कहानी है। गुरुजी सुनाइए ना। कुछ वर्ष पहले की बात है, भगवान शिव और पार्वती का कैलाश पर्वत पर वास था। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जी स्वामी। उसके बाद पार्वती देवी नहाने चली गईं। अपने नहाने के चंदन से पार्वती देवी ने एक मनुष्य की आकृति बनाई और फिर उसमें जान फूंक दी। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और देखना कि अंदर कोई ना आए। ठीक है माँ। ए लड़के, मुझे अंदर जाने दे। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। तुम कौन हो, मुझे जानते नहीं हो? आप जो भी हो, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। ए लड़के, तुझे मेरे क्रोध का ज्ञान नहीं। ठीक है, तूने अपनी मृत्यु को स्वयं दावत दी है। अलग कर दिया। ये आपने क्या किया प्रभु? ये मेरा पुत्र था, इसे मैंने अपने नहाने के चंदन से बनाया था और इसमें अपने प्राण फूंके थे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए। किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमें क्षमा कर दो। नहीं नहीं, मुझे अपना पुत्र चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना पुत्र चाहिए। जाओ
और गणेश का सर ढूंढ के लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और इस प्रकार वे सब निकल पड़े, किंतु उन्हें कहीं भी गणेश का सिर नहीं मिला। पता नहीं वो सर कहां गया। अब हम पार्वती माता को क्या बताएंगे। उसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे लोग किसी जानवर का सिर लेकर आए। शिव भक्त धरती से एक हाथी का सिर लेकर आए और शिव ने उसे गणेश के धड़ पर लगा दिया। बेटा गणेश, ये तुम्हारे पिता हैं। इनके पैर छुओ। और इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। तो इसका मतलब इस गांव में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थी और मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। जो लोग मेरी पूजा करते हैं उन्हीं को मैंने कितना कष्ट दिया। यानी कि तुम गणेशा हो। हाँ, ये गणेश ही है। गुरुजी, मैं इस दानव को कैसे मार सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है जिसमें गुरु व्रज कोटि का वास है। उनके पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे तुम इस दानव को मार सकते हो और सबको ठीक कर सकते हो, किंतु तुम्हें वहां 3 दिन में पहुंचना होगा। जी गुरु। गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ? पता नहीं ये सारे दानव आपकी रेखा को पार करके अंदर कैसे आ गए। इन्होंने अपना रक्षा चक्र कैसे तोड़ दिया? उल्लू के पास मेरे मंत्रों की वो किताब है जिसे तुम इस आश्रम से चोरी करके ले गए थे। उसे पढ़ने के बाद मेरे किसी भी मंत्र का असर समाप्त हो जाता है। अब हम क्या करें? गणेश, मेरे पीछे चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। किंतु ये दानव सारे बालकों को दानव में बदल देंगे। अब तुम ही इन सब की रक्षा कर सकते हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे साथ आओ। तुम्हारे पास इन लोगों को बचाने के लिए केवल 3 दिन हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये लोग मानव में परिवर्तित नहीं हुए तो ये लोग हमेशा के लिए दानव बन जाएंगे। किंतु गुरुजी, गणेश तो एक बालक है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। गणेश कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक देवता है और उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। गुल्लू गणेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या मैं अभी जाकर गुल्लू को सबक सिखाऊं? अभी नहीं, तुम्हें नीलकंठ पर्वत जाना है। पर्वत के अंदर एक जड़ी बूटी है जिसकी शक्ति से ये सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वहां पहुंचने से पहले गुल्लू तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं डालेगा। मुझे गुल्लू से डर नहीं लगता। तुम्हें गुल्लू से नहीं, अपने आप से डरने की आवश्यकता है। मतलब? हर व्यक्ति में
कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिसके कारण वो जीवन में पराजित होता है। जैसे कि तुम में अधिक भोजन करना, अधिक क्रोध आना और अधिक आलस्य है। गुल्लू तुम्हारी इन कमियों का फायदा उठाएगा, इसलिए तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। इन बातों से गुल्लू का क्या लेना देना? समय के साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये आईना तुम्हें आधे रास्ते तक पहुंचा देगा। आगे की यात्रा तुम्हें स्वयं तय करनी होगी। अरे गणेश, तुम तो पहले जैसे हो गए। अब तुम्हें मानव रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गुरुजी। अब तुम जा सकते हो। गणेश, अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? ये तो बड़ा कठिन कार्य है। चलो उस दिशा में चलते हैं। उस ओर बहुत सारे पहाड़ हैं। क्या पता नीलकंठ पर्वत भी उधर ही हो। हाँ चलो। गुरुजी, वो दानव इस झोपड़ी के अंदर आ चुका है। शीघ्र यहाँ से चलिए। देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना, मैं किसी ना किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद एक एक गांव वालों से बदला लूंगा। अब सब मेरे दास बन चुके हैं और कुछ ही दिनों में पूरे धरतीवासी मेरे दास बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। गणेश तुम्हें पराजित कर वापस बंदी बनाएगा। गणेश, वो है कहाँ? उसे तो मैं देख लूंगा। बताओ कहाँ है वो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे स्वामी? मुझे बताओ गणेश कहाँ है? मैंने उसे नीलकंठ पर्वत पर भेजा है। पर्वत के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे दानव वापस अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। मैंने उसे इस आईने के रास्ते भेजा है। ये एक जादुई आईना है। तो ये बात है, मुझे अच्छे से पता है कि गणेश को वहां जाने से कैसे रोकना है। हमें किसी भी तरह गणेश तक पहुंचना है। हाँ, इनके यहाँ से जाने के बाद हम दोनों भी आईने के रास्ते गणेशा के पीछे जाएंगे और गणेशा को चेतावनी देंगे। हमें चलते चलते कितनी देर हो गई है, किंतु अभी तक हमें सुमेरु पर्वत के रास्ते का पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। याद करो गुरुजी ने क्या कहा था, तुम्हें संयम से काम लेना होगा, नहीं तो वो दानव तुम्हारी कमियों का फायदा उठाएगा। मेरी दानव सेना, मेरे पीछे पीछे आओ। हमें शीघ्र ही गणेश को ढूंढना है और उसे हमारी शक्ति छीनने से रोकना है। चलो मेरे साथ। उनके पीछे चलना चाहिए।
अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आप मिल गई। क्या आप हमें नीलकंठ पर्वत का रास्ता बता सकती हैं? इतने प्यारे बच्चों की मैं क्यों मदद नहीं करूंगी? वो नदी देख रहे हो सामने? बस उस नदी के साथ चलते जाओ, थोड़ी ही देर में तुम लोग वहाँ पहुँच जाओगे। अच्छा हो गया तुम लोग मिल गए। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक बात बतानी है। गुल्लू और बाकी दानव सेना तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। कोई बात नहीं, हमें नीलकंठ पर्वत का रास्ता पता चल गया है, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं मित्र, सब एक साथ चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बालकों, अब समय नष्ट मत करो, कहीं उस दानव ने तुम्हें ढूंढ लिया तो। हाँ, अब जल्दी से चलते हैं। धन्यवाद रास्ता बताने के लिए। तुम नादान बालकों को क्या पता कि मैंने तुम्हें एक ऐसी मायावी महल में भेजा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस घनघोर वन में ये महल? कितना सुंदर महल है, चलो चलकर देखते हैं। अरे रुको, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। अरे रुको, ये कोई जाल हो सकता है। ये अवश्य कोई जाल है। हाँ, लेकिन अंदर आ ही गए हैं तो एक बार महल के अंदर चलकर देख भी लेते हैं। करो स्वागत। अतिथि है देवता और हम सब हैं उनके सेवक। हम करेंगे साफ सफाई और इस घर की चमकाई। अब लाए जाए लड्डू, पेड़े और पकवान। हो गया आपका भोजन तैयार। हम तो बेकार में ही डर रहे थे, ये महल तो अद्भुत है, अवश्य इस महल का स्वामी कोई भला मानस होगा। नहीं राधा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे तो खाना देखकर बड़ी भूख लग रही है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। हाँ, खाना खाने से क्या हो जाएगा, जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। इतना स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितनी रसीली जलेबी है। फलों का रस। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए, अत्यंत तो भूख लगी थी। देखो तुम्हारे पसंद के मोदक, तुम भी खाओ ना। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिसके कारण वो जीवन में पराजित होता है। जैसे कि तुम में अधिक भोजन करना, अधिक क्रोध आना और अधिक आलस्य है। गुल्लू तुम्हारी इन कमियों का फायदा उठाएगा, इसलिए तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। थोड़े से मोदक खाने से क्या हो जाएगा? हमें खाओ गणेश, इतने स्वादिष्ट मोदक तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। गणेश तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी यहाँ कुछ नहीं खाया,
मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोग मत खाओ, हम तो भर पेट खाएंगे। अरे इतना सारा खाना तुम लोग कैसे खाओगे? देखते जाओ, ऐसा खाना बार बार थोड़ी ना मिलता है। बहुत हो गया, अब तो पेट में स्थान भी नहीं है। देखो वो कमरे के कोने में कोई अद्भुत मिठाई रखी है। हाँ चलो उसे भी खाकर देखते हैं। अरे रुको, विचित्र बात है। अब हम क्या करें? अवश्य इस महल में कोई कमरा होगा जहाँ उन दोनों को बंधक बनाया होगा, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं तो अत्यंत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है, चलते चलते पैर भी थक गए हैं। इस मायावी महल से पता नहीं हम कब निकलेंगे। हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, किंतु हमारे पास समय भी बहुत कम है। कर रहा है कहीं से बिस्तर आ जाए और पार्वती माँ की लोरी सुनते हुए मैं सो जाऊं। आह कितना मुलायम बिस्तर है। इतना मुलायम बिस्तर तो कैलाश पर्वत पर भी नहीं है। नहीं, गुरुजी ने कहा था कि अगर मुझे उस दानव पर विजय पानी है तो मुझे अपनी कमियों को दूर करना होगा। मैं आलस से नहीं कर सकता, चलो मैं ढूंढते हैं। लगता है मुझे उन दोनों को स्वयं ही ढूंढना होगा। सेवकों, अब हमें कोई डर नहीं, कल तुम लोग सब हमेशा के लिए दानव बन जाओगे और उसके बाद हम स्वर्ग के देवताओं पर हमला बोलेंगे। हाँ, किंतु हमें गणेश को किसी भी हालत में नीलकंठ पर्वत नहीं पहुंचने देना है। चलो हम सब वही चलते हैं और पर्वत पर पहरा देते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरी रात निकल गई, किंतु उन लोगों का कोई पता नहीं। मुशक राज को उठा के यहाँ से चलना चाहिए। ये भी कोई चाल थी, मूसक राज को ढूंढना होगा। हम यहाँ हैं, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। गणेश हमारी मदद करो। हम यहाँ हैं, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। गणेश हमारी मदद करो। यही गणेश है ना? हाँ, कितना अजीब दिखता है, लंबी सी सूट, मोटी सी तोंद और बड़े बड़े कान। हम यहाँ हैं। हमसे डर गए क्या? गणेश एक डरपोक बालक है, इसीलिए तो इसको इसके पिता ने कैलाश पर्वत से निकाल दिया
अब ये धरती पर साधारण मानवों के समान रहेगा। मैं तुम्हें अभी मजा चखा सकता हूँ, किंतु मुझे अपने गुस्से पर काबू रखकर अपने मित्रों को बचाना है। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। तो इसका मतलब ये सब माया जल तुमने फैलाया? हाँ, किंतु इसके पीछे एक कारण है। कई साल पहले की बात है, ये जंगल एक नगर हुआ करता था। और मैं यहाँ का राजा, मुझे खाने पीने एवं आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता था। मुझे अपनी प्रजा के भले बुरे से कोई मतलब नहीं था। एक बार मेरे नगर में भुखमरी छाई, किंतु मैंने अपने नगर वासियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर मुझे एक महान ऋषि ने श्राप दिया। हे राजा, मुझे दिन रात भोजन करने एवं आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि तेरी प्रजा सड़कों पर भूखी मर रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 3 दिन के अंदर ये नगर बंजर हो जाएगा और तू अकेला इस महल में रहेगा। मेरे कई बार क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस महल में आकर अपनी हर बुरी आदत को वश में कर सकेगा तो ही तुझे मुक्ति मिलेगी। तुमने अपने लालच, आलस और गुस्से तीनों को अपने वश में कर लिया है। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। किंतु तुम्हारे पास ये सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? ये शक्तियाँ भी मुझे उस ऋषि ने दी, जिससे मैं महल में आए लोगों को फंसा सकूं। और मैं तुम्हारे माया जाल में इसलिए नहीं फंसा क्योंकि गुरु ब्रिगुरुराज ने पहले ही मुझे चेतावनी दे दी थी। हमारे पास केवल आज का दिन है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंतु हम इतने शीघ्र नीलकंठ पर्वत कैसे पहुँचेंगे? मेरे पास एक जादुई रथ है जो तुम्हें कुछ ही क्षणों में नीलकंठ पर्वत पहुँचा देगा। धन्यवाद। ये लो, इसे गदा कहते हैं और ये एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। ये तुम्हें किसी भी दानों का संहार करने में सहायता करेगा। धन्यवाद।
राजा की पार्वती पिता महादेवा। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।